दिल्ली से टोंक आए पांच जमातियों में से चार की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आने के बाद कलेक्टर के शर्मा ने पूरे जिले में कर्फ्यू की घोषणा कर दी है। सुबह आपको बता दें कि 6 बजे से ही टोंक और टोडा रायसिंह में कर्फ्यू लगा दिया गया है। ताजा हालात ये हैं कि कर्फ्यू के कारण पूरे जिले में सन्नाटा है। टोंक PMO डॉक्टर नवेंद्र पाठक ने बताया कि देर रात पांच जमातियों को जयपुर रेफर किया गया, जिनमें से चार जमातियों को कोरोना पॉजिटिव होने की पुष्टि हो चुकी है और जिसके बाद संक्रमित रोगियों के परिजनों और आसपास के 42 लोगों को सआदत अस्पताल के आइसोलेशन में रखा गया है और साथ ही इनके सैंपल जांच के लिए जयपुर भेजे गए हैं। और कर्फ्यू के चलते पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद है, सख्ती से पेश आ रहा है। टोंक में चार लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए, पांच जमातियों में से चार की रिपोर्ट पॉजिटिव आई और टोंक जिले में कर्फ्यू लगा दिया गया है। आपको बता दें 42 लोगों को आइसोलेट भी किया गया है और कर्फ्यू के चलते पुलिस प्रशासन लगातार मुस्तैद है। चार जमातियों की कोरोना पॉजिटिव होने के बाद पुष्टि होने के बाद जिला कलेक्टर ने देर रात एक बैठक ली और सभी अधिकारियों का आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उसके बाद टोंक में 6 बजे से कर्फ्यू जारी है और कर्फ्यू जारी होने के बाद लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। दूध की सप्लाई नहीं हो पाई। इसी तरीके से कल ज़िला कलेक्टर ने किराना स्टोरों के और आवश्यक वस्तुओं के लिए एक व्हाट्सएप नंबर जारी कर दुकानदारों के सभी घरों के लिए होम डिलीवरी की सुविधा दी थी। इसके बाद अब आप देख सकते हैं बिल्कुल सड़कें बिल्कुल सुनसान हो चुकी हैं। पुलिस की गाड़ियां अब सड़कों पर घूम रही हैं। पूरी तरीके से कर्फ्यू लागू है। ये चारों जो जमाती हैं 3 दिन पूर्व दिल्ली जमात मरकज से आए थे और इनकी आने के बाद ज़िला प्रशासन को जब इनकी सूचना मिली तो इनको सादत हॉस्पिटल के आइसोलेशन में रखा गया था। कुल ये पांच जमाती थे, इनमें से चार लोगों की कोरोना की पॉजिटिव होने की पुष्टि हो चुकी है। इसके बाद ही प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट पे है। ताज़ा हालात ये हैं कि इन पांचों जमातियों को देर रात ही जयपुर के लिए रेफर कर दिया गया था और इन अब सबसे बड़ी समस्या ये है कि ये पांचों किन किन के संपर्क में आए और इनके जो परिजन हैं उन ऐसे लोगों को चिन्हित कर लिया गया है और देर रात को ही 42 ऐसे लोगों को, इनके परिचितों को सबको सादत हॉस्पिटल के आइसोलेशन में रखा गया है। इनकी जांच चल रही है और इनकी सबकी जांच रिपोर्ट जयपुर भेज दी गई है। अब शाम तक इन लोगों की रिपोर्ट आना बाकी है। अब देखना है कि ये कोरोना का संक्रमण कैसे रोक पाता है। प्रशासन के लिए बड़ी कड़ी चुनौती है क्योंकि इन लोगों को पूरी तलाश करनी पड़ेगी कि ये लोग किन किन लोगों के संपर्क में आए। टोंक से फिरोज उस्मानी A1 न्यूज़।